व्यापारी के घर 50 लाख की चोरी की वारदात। परिवार के साथ होटल खाना खाने गया हुआ था। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। शिवपुरी जिले के करैरा कस्बे में एक व्यापारी के घर में 7 मिनट के भीतर करीब 50 लाख की चोरी की घटना घट गई। व्यापारी अपने परिवार के साथ शनिवार की रात होटल पर खाना खाने गया हुआ था। इस बीच करीब 1 घंटे के बीच में ही चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। सूचना के बाद रात में ही करैरा पुलिस ने मौका मुआयना कर पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं आज करैरा पिछोर SDOP ने व्यापारी के घर पहुंचकर चोरों का सुराग लगाने का प्रयास किया। चोरों की ओर से की गई चोरी की चैलेंजिंग वारदात के बाद शिवपुरी SP भी व्यापारी के घर पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारी से चर्चा की है। बता दें कि चोरों का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। करैरा कस्बे के कॉलेज रोड के रहने वाले विकास नगरिया गुप्ता ने बताया कि उनका अप्लायंसेस का व्यापार है। उनकी फर्नीचर और कूलर, फ्रिज, TV, घरेलू उपकरणों की दुकान नीचे है और वह अपने परिवार के साथ दुकान के ऊपर निवास करते हैं। शनिवार को वह अपने माता पिता गणेश नगरिया, भाई आकाश नगरिया और परिवार के सभी सदस्यों के साथ रात 9 बजे होटल हवेली में खाना खाने गया हुआ था। विकास ने बताया कि वह 1 घंटे के भीतर होटल से खाना खाकर अपने परिवार के साथ वापस घर लौट आए थे, जहां उन्होंने देखा कि घर के भीतर अलमारी का ताला टूटा हुआ पड़ा था। अलमारी में रखे 15,35,000 रुपये और करीब 35 लाख रुपये के जेवरात चोरी हो चुके थे। उसके छोटे भाई आकाश की जनवरी में शादी होनी है। शादी के लिए जेवरात बनाए थे। कुछ जेवरात उसकी पत्नी के भी रखे थे, जिन्हें चोर चुरा कर ले गए। SP अमन सिंह राठौर का कहना है कि वह जल्द से जल्द इस चोरी का खुलासा कर आरोपियों को पकड़ लेंगे। 10 बजे के टाइम घटना हुई है। हम लोग खाना खाने होटल गए थे। हमारे यहाँ पे जो स्टाफ था उसको बोला हमने हमारे साथ चल, वो नहीं गया और पता नहीं कौन आया। हाँ। और 15,500 रुपये नगद, 15,35,000 नगद हैं और करीब 30 से 35 लाख रुपये का सामान। चल, आप लोग कहाँ थे उस वक्त जब घटना घटी? होटल हवेली पर खाना खाने गए हुए थे। कितने बजे की बात है? 9 से 10 का टाइम। इसके बाद पुलिस को सूचना दी कि क्या? पुलिस को सूचना दी, हल्की TI साहब आए 10:15। TI साहब ने मौका मुआयना किया। अभी तक कार्रवाई चल रही है। SP साहब आए थे, अभी पिछोर SDOP साहब आए थे। ऐसा किसी पे तुम्हें कोई शंका वगैरह? ऐसे मेरे स्टाफ ही है और कोई बाहर का हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी जल्दी और कोई आदमी कर नहीं सकता है। स्टाफ में ही है। इतनी अधिक मात्रा में ज्वेलरी और कैश एक जगह रखा था या नहीं? एक ही जगह, एक ही अलमारी में था। उसकी जानकारी करके जल्दी से खुलासा। इसका ऐसा लगता है खुलासा जल्दी हो जाएगा? हमारी पूरी टीम लगी है, सुनील साहब लगे, TI साहब लगे और उनके खास सफाई भी मैं लगा रहा हूँ। पूरा प्रयास करें, जल्दी प्रयास करें खुलासा। कुछ समय से सर वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं एकदम, क्या कारण है ये मामले चोरी के अधिकतर ट्रेस नहीं हो पाते हैं? चोरी के मामले अधिकतर ट्रेस नहीं हो पाते ऐसा नहीं है, 50% ट्रेस नहीं है मामले। कुछ रहता है जिसमें नहीं मिल पाते हैं, प्रयास करते हैं। ओके।